दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को, और साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे लेटेस्ट अपडेट दवाओं के बारे में आपको मिलते रहे। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लोट्रिमाजोल क्रीम के बारे में। इस क्रीम का प्रयोग फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। जानेंगे इसके यूज को पूरे विस्तार से, इसकी ब्रांड नेम क्या क्या रहती है, किस नाम से आपको मार्केट में मिल जाती है, इसके बारे में जानेंगे, साथ इसके साइड इफेक्ट, और वीडियो के लास्ट में जानेंगे इस क्रीम को किस तरह से लगानी होती है, कितने दिनों तक इसका प्रयोग किया जाता है। ये सभी बातें इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें जिससे क्लोट्रिमाजोल क्रीम के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। और यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, क्योंकि दवाओं के बारे में ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त मोहित, और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज भी कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। क्लोट्रिमाजोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीफंगल ग्रुप की एक दवा है जो स्किन इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यह दवा का मूल नाम है, जिसे हम दवा का जेनेरिक नाम भी कहते हैं। सबसे पहले हम इसके ब्रांड नेम के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है। कैनेस्टेन, कैंडिड, सरफाज, लिचेंसा, ये इसके कुछ ब्रांड है क्रीम की। और साथ ही हाल ही के दिनों में जो आप टीवी पे एड देख रहे हैं, क्लीन एंड ड्राई क्रीम, उसमें भी क्लोट्रिमाजोल मेडिसिन ही रहती है। ये कुछ उसके पॉपुलर ब्रांड है, और हो सकता है आपके एरिया में कुछ और नाम से आपको मिले, लेकिन इसके जो दवा का मूल नाम रहेगा वो क्लोट्रिमाजोल ही रहेगा, बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं हुए। और इस क्रीम को आप ओवर द काउंटर डायरेक्ट केमिस्ट की दुकान से खरीद सकते हैं, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं रहती है। अब इसके यूज के बारे में बात करते हैं, क्या क्या इसके प्रयोग हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एंटी फंगल ग्रुप की दवा है, तो सभी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। रिंगवर्म करके एक बीमारी, जिसे हम हिंदी में दाद कहते हैं, ये आपके हाथ पांव, आपके अंडर आर्म में, आपके जन्नांगों में कहीं पे भी हो सकते हैं। ये प्रॉब्लम होने पर व्यक्ति को उस पर्टिकुलर जगह पे रेडनेस रहता है, खुजली चलती है, और स्वेलिंग भी वहां पे रहती है। यदि इस क्रीम का प्रयोग उस स्थान पे किया जाए, तो उस बीमारी से, फंगल इन्फेक्शन है, आपको अच्छा फायदा मिलेगा, निजात मिल सकती है। इसके अलावा महिलाओं में, महिलाओं के जन्नांगों में, जिस बीमारी को हम वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन कहते हैं, जिसके कारण वेजाइना में डिस्चार्ज हो सकता है, बर्निंग हो सकती है, इचिंग, रेडनेस, ये सभी हो सकता है। साथ ही मूत्र त्यागते समय भी महिला को जलन हो सकती है, उस स्थिति में भी ये अगर क्लोट्रिमाजोल क्रीम का प्रयोग किया जाए तो बहुत ही अच्छा फायदा करती है। इसके अलावा आपको गर्दन से लगाकर पेट के एरिया में, साथ ही अंडर आर्म में सफ़ेद सफ़ेद से निशान हो जाते हैं, और जिस पे आपको इचिंग से रहेगी और थोड़ी स्वेलिंग भी रहेगी, तो ये भी एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है। इसको भी ठीक करने के लिए क्लोट्रिमाजोल क्रीम फायदेमंद है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखना, यदि आपको व्हाइट स्पॉट हो गए और वहाँ पे किसी प्रकार की जलन या खुजली नहीं है, तो फंगल इन्फेक्शन नहीं है, उसके लिए कुछ और ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर से लेना होगा, उसमें ये क्रीम बिल्कुल काम नहीं करती। साथ ही डायपर रेसेस करके बीमारी है, जिसमें बच्चों को लंबे समय तक डायपर पहनने पर वहाँ पे रेडनेस हो जाता है, छोटे छोटे ब्लिस्टर हो जाते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए भी यह दवा काफी उपयोगी रहती है। और यदि किसी व्यक्ति को ओरल कैंडियासिस की प्रॉब्लम होगी, जिसमें व्यक्ति के जीभ के ऊपर एक सफेद सी परत जम जाती है, जिसकी स्किन पे आप पिक्चर देख पा रहे हैं, इसके ट्रीटमेंट में भी क्लोट्रिमाजोल क्रीम काफी फायदेमंद रहती है। इसका यूज किस तरह से करना है, मैं नेक्स्ट पार्ट में भी आपको बताऊंगा। इससे पहले हम जान लेते हैं साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं इस क्रीम के। यदि किसी व्यक्ति को इस क्रीम के साइड इफेक्ट होते हैं, तो उसमें स्किन पे जलन सी रहेगी, रेडनेस बढ़ सकता है जो पहले हो रखा था, इसके साथ ही नोजिया, वोमिटिंग, आपको रेसेस हो सकते हैं, ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। इसके अलावा भी दर्द भी आपको हो सकता है ये, या इसके अलावा भी कुछ अनवांटेड अगर इफेक्ट आपको इस क्रीम के लगे, तो तुरंत ही इस क्रीम का एप्लीकेशन बंद करें और अपने डॉक्टर से मिले, जिससे फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। अब जानते हैं दोस्तों, इस क्रीम को किस प्रकार से यूज लेना है, हाउ टू यूज। इस क्रीम को यूज लेने से पहले आपको जो अफेक्टेड आपका एरिया है, जहाँ फंगल इन्फेक्शन हो गया, उसको क्लीन करें, साफ करें, उसके बाद इस क्रीम का प्रयोग करें। यदि किसी व्यक्ति को नॉर्मल फंगल इन्फेक्शन है, तो उसे 7 दिन से लगाकर
आठ हफ्ते तक ये क्रीम दी जाती है। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कितने दिनों उसको यूज लेनी है, और दिन में दो बार इसका प्रयोग लिया जाता है। साथ ही ओरल कैंडियासिस जिस व्यक्ति को है, जिसके जीभ पे सफेद परत जम जाती है, उस समय में 14 दिन के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। लेकिन उसमें आपको यूज करने के लिए विशेष चीज से ध्यान रखनी पड़ेगी। इसको मुंह में लगाने के बाद आपको जो मुंह की लार आ रही है उसको बाहर गिराना होता है, मुंह के अंदर नहीं निकलना होता, ये चीज आप विशेष तौर से ध्यान रखें। और साथ ही किसी महिला को वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन हो गया है तो उसे यह क्रीम दिन में एक बार लगाने के लिए दी जाती है। 3 दिन या 7 दिन के लिए आप इसका प्रयोग करें तो काफी अच्छा फायदा होगा, बीमारी से आप निजात पाएंगे। तो दोस्तों, ये कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया है क्लोट्रिमाजोल क्रीम के बारे में। इस वीडियो को जरूर से लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर ले, और साथ में बेल आइकन दबाएं जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन दवाओं के बारे में जब भी मैं अपलोड करूं सबसे पहले आपको मिले, सबसे पहले वीडियो आप देख पाए। आप थे अपने दोस्त मोहित दादिश के साथ और देख रहे थे अपना YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बी केयरफुल मेडिसिन यूज।